जय श्री कृष्णा। कलकत्ता में राधा बल्लभ जी के खास भोग में ये कचौड़ी दिया जाता है, तभी इसको राधा बल्लभ ही कहते हैं। टेबल ट्रीट विद सुतापा में आज हम इस कचौड़ी को ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम दो मसाले बना लेंगे, एक ड्राई एक वेट। और ड्राई मसाले के लिए हमें 2 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून जीरे को कलर चेंज होने तक भुनना है और ग्राइंडर में एक पाउडर बना लेना है। फिर गीला मसाला, इसके लिए अदरक 2 इंच करीब और हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेना है। और ये 2 मसाले बारी बारी में पूरे रेसिपी में यूज होगा। हाफ कप उड़द दाल को ओवरनाइट मैंने सोक करके रख दिया। अब इसको ग्राइंडर में बहुत हल्का सा पानी डाल के हमें एक दरदरा पेस्ट बना लेना है। इस दाल के पेस्ट का कंसिस्टेंसी कुछ ऐसा होगा। अब कचौड़ी का आटा लगाना है, जिसके लिए 1 कप मैदा लिया है और उसमें 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर मिलाइएगा, ग्रैनुअल मत मिलाइए। फिर 1/2 चम्मच नमक और फिर वो ड्राई स्पाइसेस जो हमने बनाए थे वो 1 चम्मच और 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और 4-5 टेबलस्पून करीब ये दाल का पेस्ट डाल देना है। फिर इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है। और इस मैदे के जगह आप आटे का यूज़ कर सकते हैं, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग वो टेस्ट नहीं आएगा जो मैदे से आएगा। अब इसमें हमें 2 टेबलस्पून तेल डालना है मोयम के लिए, फिर अच्छे से इसको मिला लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बना लेना है। पानी बहुत ही कम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी दाल डाला हुआ है इसमें। डो बन जाए तो उसमें थोड़ा सा तेल मसाज करके इसको 1/2 घंटे के लिए अलग से रख देना है। अब कचौड़ी का फिलिंग बना लेते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालना है और उसमें 1 टीस्पून कलौंजी डाल देना है। फिर वो जितना बचा हुआ दाल का पेस्ट था वो हमें डाल देना है और उसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। दाल को 1-2 मिनट चलाने के बाद इसमें हमें अदरक वाली पेस्ट डालना है और जो ड्राई स्पाइसेस मिक्स बनाए थे वो डाल देना है 2 टीस्पून और स्वाद अनुसार नमक डाल के तब तक इसको लो हीट में भुनना है जब तक दाल आराम से पैन को छोड़ ना दे। फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। इतने में बना लेते हैं दम आलू। दम आलू के लिए 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई और ऑयल भी ले सकते हैं। उसमें हमें 2 बड़े साइज़ का आलू को 8 टुकड़ों में काट के बहुत अच्छी तरह से एकदम लाल करके भून लेना है। अब इसी तेल में हमें तड़का देना है जीरे का और कुछ खड़े गरम मसाले का, जिसमें दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची है और 1 सूखी लाल मिर्च का। तड़के से खुशबू आने लगे तो इसमें हमें इस जिंजर और चिली का पेस्ट डाल देना है करीब 4 टीस्पून और इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है जब तक ना तेल लूज आउट हो। अब हम कुछ ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च स्वादानुसार, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और इन सबको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें। मसाला तेल छोड़ने लगे तो 4 टेबलस्पून टमेटो प्योरी डाल दीजिए। आप चाहे तो फ्रेश टमेटो का भी प्योरी डाल सकते हैं। फिर
मुझे लगा था थोड़ा सा नमक कम है, तो इसीलिए मैंने और थोड़ा सा नमक डाल दिया। और इसको भी बहुत अच्छी तरह से लो हीट में भून के तेल निकल जाए तो पानी डाल के आलू मिला देना है। अब थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और जो हमने स्पाइस मिक्स बनाए थे वो डाल देंगे। फिर लो हीट में आलू को सॉफ्ट होने तक हम ढक के पका लेंगे। कचौड़ी बनाने से पहले हमें चकला बेलन को बहुत अच्छी तरह से ऑयल मसाज करने से बहुत अच्छा होता है। फिर एक छोटे से लोई लेके इसका साइड से बिल्कुल फ्लैट कर दीजिएगा, बीच का पोर्शन थोड़ा मोटा ही रहने दीजिए। फिर इसके ऊपर एक फिलिंग रख दीजिए और उसको बहुत अच्छी तरह से इसको कवर कर दीजिए। बिल्कुल अंदर एयर बबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे ही आप बेलेंगे वो एयर बबल की जगह फट जाएगा और अंदर तेल चला जाएगा। फिर दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह ऑयल मसाज कर दीजिए और बेल लीजिए एकदम पतला करके। अगर आप इस फीलिंग को बहुत टाइटली पैक करेंगे फिर बेलते टाइम बिल्कुल भी फटेगा नहीं आपका पूरी। अब मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है और पूड़िया फ्राई करने के टाइम थोड़ा सा ऊपर आप टैप करेंगे तो ये फूलने लगेगा। अच्छे से दोनों तरफ से हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए फिर बन गया हमारा ये राधा बल्लभी। लीजिए साथ ही साथ बन गया हमारा दम आलू भी और एंजॉय कीजिए इसके साथ राधा बल्लभी।